केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। इसी को लेकर खरगोन जिले के कसावद में भी इसका असर देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसावद क्षेत्रीय विधायक सचिन यादव ने अपने कार्यालय से पैदल यात्रा कर निकालकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान विरोध दर्ज कराते हुए दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए कहा गया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के चलते आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका समर्थन कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा इसका व्यापक असर अब कसावद में भी देखने को मिल रहा है, जहां कृषि बिल के विरोध में सुबह से ही कांग्रेसी नेता अपनी अपनी बाइकों पर सवार होकर नगर की दुकानें बंद करवाई गयी, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक तहसील मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान खुली दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया। एहतियात के तौर पर कसावद प्रशासन और पुलिस बल जगह जगह मुस्तैद रहे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं, वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। ये जो काले कानून है, इसका विरोध पूरे देश के किसान साथी कर रहे हैं, और आज हम तमाम साथी जो हमारे किसान साथियों ने जो पूरे भारत देश का ये बंद का जो आह्वान किया है, उसके समर्थन में हम सब साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम सब साथी इस काले कानून का पूर्ण विरोध करते हैं। ये कानून पूर्ण रूप से जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे जो देश के नेता हैं, उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, उन उद्योगपति मित्रों को पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कानून लागू किए गए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके कारण आने वाले दिनों में किसान का नुकसान तो होगा ही, उसे उसकी सही कीमत तो मिलेगी नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो है काला बाजारी को भी बढ़ावा देने का काम किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो लागू किया गया है, उस एक्ट के माध्यम से हमारा किसान अपने ही खेत पर आने वाले समय में से मजदूर बनकर के रह जाए। साथ ही साथ जो इन्होंने MSP को लेकर के किसी प्रकार की कोई बात अपने इस कानून में लागू नहीं की गई है, हम सब साथियों की मांग है कि इसको MSP को लागू किया जाए, इसको एक कानून बनाया जाए, इसको संशोधन किया जाए, और MSP के नीचे अगर कोई फसल खरीदी जाती किसान साथियों की, तो उसके उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऐसा कानून जो है केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, और पूर्ण रूप से जो हमारे किसान साथी जो दिल्ली में पिछले कई दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सब किसान साथी उनके साथ में हैं, और उन्होंने जो मांगे रखी हैं, उन मांगों का हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। भैया, अगर केंद्र सरकार इस बिल का समर्थन नहीं करती है और कानून लाना चाहती है, तो इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहे? देखिए, कानून कांग्रेस पार्टी हमेशा जब किसान की बात आई है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी रही है, और आज भी हम हमारे किसान साथियों के साथ में खड़े रहे हैं, और आगे भविष्य में खड़े रहेंगे। और अगर केंद्र सरकार अगर इसी हठधर्मिता पे अड़िग रहेगी, तो आने वाले समय में एक रणनीति बना करके इस कानून का पूरे जोर तरीके से हम लोग इसका परेशान है। देखिए, आपने हमेशा महसूस किया हो कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो हमारा किसान सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। हमारी जब सरकार थी, हमने ये सुनिश्चित किया था कि हमारे किसान साथी को उसकी मांग के अनुसार, उसके समय के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उसको यूरिया मिले, उसको खाद मिले। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है। हमारा किसान साथी यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, और सरकार जो है कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है, और सिर्फ सत्ता के सुख भोगने के लिए जो है सरकार बनी है, और हमारे किसान साथियों की पूर्ण रूप से अनदेखी की। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।